अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, एक कविता के द्वारा पेश की है, दो लाइनें हैं सिर्फ। मेरी कलम से लिखे अल्फाज, गौर फरमाइएगा, मेरी कलम से लिखे अल्फाज जैसे आधी बोतल शराब। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों मोहब्बत वाला हफ्ता गुजरा है, जिसे हम वैलेंटाइन वीक के नाम से जानते हैं, तो हज़ारों बार दिल टूटा है मेरा, लेकिन फिर भी क्या करें, दिल तो बच्चा है, तो कहीं ना कहीं ख्वाब उमड़ ही आते हैं। तो उन ख्वाबों पे बेस एक शायरी पेश कर रहा हूँ। कभी तो ख्वाब ऐसा आए, गौर फरमाइएगा, कभी तो ख्वाब ऐसा आए कि दिल की खिड़की उनकी हो और बॉल मेरी पार हो जाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं, जैसे कि आज का थीम है प्यार एक धोखा है। तो सबसे पहले तो प्यार एक एहसास है, उस एहसास के लिए मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा। दिल में आना जाना इतना आसान नहीं होता, पल भर का कोई मेहमान नहीं होता। जब कोई चुपके से दिल में बस जाता है एक मीठा सा एहसास दे जाता है, उस एहसास का एहसान चुकाना इतना आसान नहीं होता। शुक्रिया। देखिए, अब प्यार एक धोखा है तो मैं उस पर कहना चाहूँगा, सबसे पहला धोखा जो मैंने दिया था वो अपने माँ बाप को दिया था प्यार के चक्कर में, तो उसी पे बेस्ड एक कविता है, आई होप आपको पसंद आएगी। मांगा था जो दोस्ती का हाथ, हम सफ़र का साथ मिल गया, उसने प्यार का जाम, शुरुआत से बोलूँगा दोबारा से, मांगा था जो दोस्ती का हाथ, हम सफ़र का साथ मिल गया, उसने प्यार का जाम कुछ इस कदर पिलाया कि बाप का नाम भूल गया। प्यार का नशा कुछ इस कदर चढ़ा कि किताबों में भी उसका चेहरा दिखा। माँ कहंदी थक गई, बेटा पढ़ ले, जवाब क्या मिला, जामा खिसक ले। इस प्यार ने इंसान से जानवर बना दिया और माँ बाप के सामने एक साधु संत को हिप हॉप रॉकर बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पेश करना चाहूँगा। यहाँ पे रही बात, जैसे कि मैंने बताया कि ख्वाब उमड़ते हैं तो ख्वाब टूटते भी हैं, तो उस पर पेश करना चाहूँगा तीन लाइनें। खुशियों में सब अपनी उड़ चले हैं, साथ अपने बस गुड़ चने हैं। शुक्रिया भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी मैंने पेश करा कि ख्वाब टूटने पे क्या होता है, तो उसी तरीके से कुछ ऐसा होता है दिल से जब निकलते हैं आपके अरमान। तो निकले हुए अरमानों के लिए पेश करना चाहूँगा दो लाइनें। दिल से निकले ही थे अरमान जो कब्र तक ला दिया, अच्छा हुआ पता पहले ही दिखला दिया। आगे बढ़ते हैं, तो एक आखिरी में एक कविता है जो पेश करना चाहूंगा, जो मेरे दिल के करीब है। कविता के बजाय अगर आप लोग इजाजत दें तो एक छोटा सा रैप हो जाए। चलिए एक रैप पेश करना चाहूंगा यहाँ पे, छोटा सा ही है, ठीक है। पहले बनती हैं क्रश फिर लेती हैं कश। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले बनती हैं क्रश फिर लेती हैं कश, बन के नशा नहीं देती है वफा, बदले में मिलती है तुमको दगा, तो बच्चा पंगा ना लेना। That's all my friends, that's all. Thank you.